नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी के एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन जो है बहुत जल्दी लगने वाली, उस चीज़ को देखते हुए आप सभी को लगातार हमारे द्वारा क्वेश्चन को तैयार करके आप सभी के पास प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले, इसके साथ साथ आपको बताने वाले कि आखिर इस बार प्रश्न का स्तर कैसे रहेंगे, पैटर्न बेस्ड ऑन क्वेश्चन। तो पैटर्न बेस्ड पर हम कुछ क्वेश्चन आप सभी के पास यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, जो सामान्य विज्ञान में आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे सामान्य ज्ञान के पेपर में। तो किस प्रकार से क्वेश्चन का स्तर रहने वाले, इसी के विषय में पूरी जानकारी देंगे और पूरी चर्चा करेंगे, और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि आपको किस प्रकार से कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन में आपको पढ़ने, ताकि आपका एग्जामिनेशन जो बहुत ही अच्छे तरीके से जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो किस किस प्रकार से क्वेश्चन जो यहाँ पर रहने वाले। जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आप सभी के पास यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले आप लोग, जैसे कि यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2019 के जो Tr.1 है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इंग्लिश का पैटर्न जो है बिल्कुल भी मिड रेट रहने वाले हैं, मतलब कि ना ही हल्का रहेंगे ना ही भारी रहेंगे, जो कि अगर कितनों भी क्वेश्चन, अगर कितनों भी बच्चे अगर अच्छे से तैयारी नहीं किए तो कम से कम 16 से 22 क्वेश्चन जरूर से जरूर वह व्यक्ति बनाकर आएंगे। कम से कम जो अगर थोड़ा बहुत से पढ़ें तो कम से कम 16 नंबर का जरूर से जरूर 16 क्वेश्चन बना पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ी सी अगर आप अच्छे मेहनत किए तो आप उसमें से कम 22 क्वेश्चन जरूर से जरूर आप बना दीजिएगा। इसके बाद जो मेडिएटर जो है आपका मैथमेटिक्स के बात करते तो इजी से लेकर मिडरेट तक क्वेश्चन इसमें जो पूछे जाएंगे, यानी आसान भी पूछे जाएंगे और थोड़ी थोड़ी से भारी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी मीडियम में पूछे जाएंगे, ज़्यादा भारी भी नहीं ज़्यादा आसान भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, दोनों इजी टाइप का भी रहेंगे और थोड़ी सी इजी से थोड़ी सी फास्ट भी रहने वाले, जिसमें से अगर कोई स्टूडेंट अगर नहीं भी थोड़ा बहुत अगर तैयारी किए तो कम से कम 18 क्वेश्चन भी व्यक्ति जरूर से जरूर बना के आएंगे, और जिनका अच्छा से तैयारी हो कम से कम 21 से प्लस भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे आपके ऊपर कि आप कितने अच्छे तरीके से आप रीड किए। इसके साथ साथ बता दें दोस्तों, यदि आप जनरल इंटेलिजेंट यानी कि रीजनिंग का बात करते हैं तो रीजनिंग एकदम इजी पूछने वाले, एकदम आसान सा पूछेंगे, कोई भी भारी नहीं पूछने वाले, एकदम इजी, कम से कम 21 से 23 या 23 से भी प्लस क्वेश्चन आप जो है यहाँ पर बना सकते हैं। कितनों भी अगर आप बेवकूफ़ अगर स्टूडेंट होंगे, अगर कुछ भी नहीं जानते होंगे तो भी स्टूडेंट जो है 21 क्वेश्चन कम से कम जरूर से जरूर बनाकर ही आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 23 या 23 से प्लस भी क्वेश्चन आप बना के आ सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो बिल्कुल भी इजी मेडिएटर में रहने वाले, एकदम आसान सा क्वेश्चन रहेंगे, कोई भारी क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं रहने वाले, जिसमें से कितनों भी स्टूडेंट है तो कम से 18 क्वेश्चन जरूर से जरूर उनसे बनेंगे, और 22 क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 22 क्वेश्चन तक आपका बन पाएंगे। अगर ऑल ओवर अगर आप देखे जाएँ तो ईजी से मेडिएट में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इसमें हार्ड क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाले। तो कम से कम इस प्रकार से ऑल ओवर में कितनों भी स्टूडेंट अगर कमजोर है तो कम से कम 70 क्वेश्चन हुए जरूर से जरूर आपका बना के आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 88 क्वेश्चन 88 क्वेश्चन हुए सारे सॉल्व करेंगे या 88 से भी प्लस चल जाएंगे अगर आपका तैयारी बेटर है। तो यानी कि पैटर्न जो है इसी प्रकार से आपका पैटर्न रहने वाले। तो आइए पैटर्न से संबंधित कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ताकि जनरल अवेयरनेस के जो तैयारी वो जबरदस्त तरीके से हो जाए, और जिसमें से जो बच्चे यहाँ पर आपका 18 क्वेश्चन है, हो सकते हैं इसमें से 25 क्वेश्चन 25 का 25 बना ले, तो हमारे अनुसार चले आपका कामयाबी जरूर से जरूर मिलेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले, और जो कि रहेंगे पूरा आपका पूरा जो है पैटर्न बेस पर संबंधित रहेंगे, पूरा पैटर्न जो आपका पैटर्न है इसी के हिसाब से आपको रहेंगे। तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं और आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आइए वन बाय वन करके दिखाते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे सभी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के लिए जो होते हैं सामान्य ज्ञान ही ज़्यादातर परीक्षार्थियों के लिए हाई स्कोरिंग माना जाता है, यानी कि अगर आपका जीएस मजबूत है तो आपके उस एग्जामिनेशन को निकालने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। तो इसीलिए अपने जीएस को मजबूत करें, अगर अपने जीएस को दोस्तों मजबूत कर लेते हैं तो यहाँ जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो पैटर्न बेस्ड है, हम जो एग्जामिनेशन जो पूछे जाएंगे जो पैटर्न बेस्ड है वही क्वेश्चन ही यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। इसीलिए दिल थाम के बैठे रहें, और वीडियो पसंद लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलें। तो आइए
वन बाय वन करके यहाँ पर समझते हैं और इसमें जो इजी क्वेश्चन है उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, दिल थाम के बैठे रहे, आपको यहाँ पर पूरे बताएंगे। एसएससी एमटीएस की परीक्षा अगर देने जा रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर, वो भी अच्छी तरीके से रीड करके जरूर से जरूर जाए, आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देरी के आपको उस क्वेश्चन की ओर अग्रसित होते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह सामान्य ज्ञान का पेपर है, जो कि सामान्य ज्ञान आपको जो यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से, जैसे आपको पैटर्न है उसी के हिसाब से ही यहाँ पर हम बताने वाले। इसी प्रकार जैसे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे पार्ट डी, उसी प्रकार पार्ट डी में ही आपका सामान्य ज्ञान रहेंगे, पार्ट सी या पार्ट ए में नहीं रहेंगे। यानी जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में जब जाइएगा वहाँ पर एग्जाम सेंटर में बैठिएगा तो इसी प्रकार से ही पैटर्न आपको रहेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके समझते हैं और आपको समझाने का भी हम कोशिश करेंगे, ताकि हम चाहेंगे कि आपको जल्द से जल्द यह सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो आइए समान जानकारी का क्वेश्चन वन बाय वन करके समझते हैं और आपको भी समझाने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी प्यारे बच्चों यहाँ पर देख पा रहे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लिखे गए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बहुत VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का कोशिश करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। पहला लिखे गए गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा लिखे गए बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा अरविंद घोष, और चौथा है लाला लाजपत राय। तो कौन थे दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर इसकी सही आंसर जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं इसकी सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसकी सही आंसर फटाफट कमेंट लिखे यदि आप जानते हैं तो। चलिए इसकी सही आंसर देख लेते हैं। इसकी सही आंसर ऑप्शन ए यानी गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले को क्लिक किया उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के पास यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, जो कि आपका जो है एग्जामिनेशन जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर ही आधारित आपको पूछे जाएंगे, उससे बाहर आपको यहां पर नहीं बताए जा रहे। लिखे गए गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पथ की स्थापना कब हुई थी। 1599 में हुई थी, 1699 में हुई थी, 1707 में हुई थी, 1657 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे बच्चों, नीचे कमेंट लिखे और तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे, बिल्कुल भी देरी ना करके, कि एसएससी के एमटीएस में सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपको क्वेश्चन रहने वाले। और इसके अलावा अगर इसी पर पैटर्न पर आधारित अगर और क्वेश्चन चाहिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो नीचे कमेंट लिख कर जरूर बताइएगा, ताकि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी के पास प्रोवाइड कर सके। तो इसकी सही आंसर ऑप्शंस बी यानी 1699। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के पैटर्न के आधारित पर सारे क्वेश्चन बनाए गए। अगला क्वेश्चन लिखे गए हैं प्यारे बच्चों यहां पर कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। जो पीर है सूफी परंपरा में, वो पीर जो है किसके लिए आशय किया गया, सर्वोच्च ईश्वर के लिए, सूफी के गुरु के लिए, या सभी सूफी संतों में श्रेष्ठ के लिए, या सूफियों की समस्याओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक के लिए, किसके लिए क्या यह है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करने का कोशिश करें। तो इसकी सही आंसर है ऑप्शंस बी, सूफियों के गुरु के लिए। किसके लिए, सूफियों के गुरु के लिए। आइए कुछ और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपका एग्जामिनेशन में अच्छे से आ जाए और आप सभी अच्छे प्रदर्शन कर सके। दोस्तों यहाँ पर लिखे गए हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध के राजवंश के काल के कर्मा अनुसार लिखिए। यानी कि मगध जो वंश थे वो मगध राजवंश थे उसके अनुसार कहे जा रहे। पहला जो है नंदवंश, दूसरा लिखे गए शिशुना, तीसरा लिखे गए मौर्यवंश, और चौथा लिखे गए हर्यक वंश। तो इसमें किस प्रकार से क्रम अनुसार, किस प्रकार से राजवंश जो है किस प्रकार से आए, यानी चौथा मतलब पहले हर्यक आए, फिर शिशुनाग आए, फिर आपका मौर्य आए, फिर आपका नंद आए। तो कौन से ऑप्शन होने चाहिए, यहाँ पर चार ऑप्शन से, पहला ऑप्शन से, दूसरा ऑप्शन से, तीसरा और चौथा, इन चारों में से देखिए आप और आप नीचे कमेंट लिखकर बताइए कि इसकी सही आंसर क्या होने चाहिए। फटाफट कमेंट बॉक्स पर कमेंट छोड़ें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करने का कोशिश करें। आइए इसकी सही आंसर देख लेते हैं। इसकी सही आंसर ऑप्शन सी, यानी जो बच्चे सी को क्लिक किए उनका जवाब सही, यानी कि चार मतलब पहले एक नंबर पर थे, पहले हरियक थी, ठीक है, फिर आए थे शिशुनाग दो नंबर पर, फिर नंद आए थे तीन नंबर पर, फिर चार नंबर में आए थे मौर्यक वंश। ये सारे जो है हरियक वंश का अपना अपना एक ड्यूरेशन थे, इतना से इतना साल तक जो है ये राज किए, फिर इतना से इतना तक ये राज किए,
फिर इतना से इतना ईयर राज किए, फिर इतना से इतना मौर्य वंश ने राज किए। यह मगध के राजवंश का काल है, ठीक है। मगध राजवंश ये यही राजवंश थे, लेकिन इसमें अलग अलग काल को चर्चा की गई। आइए कुछ पैटर्न बेस्ड का क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएँ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पैटर्न बेस्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछे गए 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, वो नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, त्रिपुरा में, मणिपुर में या मिजोरम में? कहाँ पर है दोस्तों? कमेंट लिखे ज़्यादा से ज़्यादा और आपको बताएं, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन जो आपका पैटर्न बेस्ड पर क्वेश्चन तैयार किए गए। तो इसके सही आंसर देख लेते हैं, इसके सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि मणिपुर में, ठीक है। कहाँ पर है? मणिपुर में, मणिपुर में स्थित है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन के पैटर्न पर आधारित है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सब सारे क्वेश्चन लिखे गए। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन कौन था? महात्मा गांधी से थे, या महात्मा बुद्ध थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या दयानंद सरस्वती से? पंचशील के जो सिद्धांतों के प्रतिपादन कौन थे? तो इसके सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और नहीं जानते हैं तो इसके सही आंसर होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि नीडर सी को क्लिक किए, उनका जवाब बिल्कुल भी सही। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आप सभी के पैटर्न बेस्ड पर सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। लिखे गए किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने परसेंट मत पाने चाहिए? 1% होने चाहिए, 2% होने चाहिए, 3% होने चाहिए, या 4% होने चाहिए? कितने परसेंट होने चाहिए दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें। तो इसकी सही आंसर है कम से कम आपको 4% मत होने ही चाहिए, ऑप्शन डी। आई कुछ और पैटर्न देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से ही तैयार किए गए। लिखे गए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है, 4 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है, या 6 वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें। इसके सही आंसर 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होते? 6 साल का होते। आई कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन के पैटर्न पर ही आधारित है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप सभी के पैटर्न बेस्ड पर क्वेश्चन को तैयार किए गए। आई वन बाय वन करके समझने का कोशिश करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखे गए यहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिर्मित की आयु कितनी होती है? 62 साल होती है, 65 साल होती है, 68 साल होती है, या 70 साल होती है? कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करें। इसकी सही आंसर है 65 साल। कम से कम वो जो है न्यायाधीश की मृत्यु जो है कम से कम जो है 65 साल तक कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं, आइए आगे कुछ और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, या भारत के राष्ट्रपति होते हैं? कौन होते हैं? कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखे। आइए इसकी भी आंसर हम लोग देख लेते हैं, यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखे। इसके सही आंसर है प्रधानमंत्री। जो बच्चे ए को क्लिक किए उनका जवाब सही। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आपको जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखा करें। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा VBI क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आप रीड करें। लिखेंगे भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, या कर्नाटक को कहा जाता है? किसको कहा जाता है बच्चों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे। तो आंध्र प्रदेश को जो है आपका चावल का कटोरा कहा जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन के पैटर्न पर ही आधारित है। लिखे कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सिमसा जलप्रपात है, या होगेन कलकल जलप्रपात है, या कोटालम प्रपात है, या जोग जलप्रपात है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों इसकी सही आंसर क्या होने चाहिए। आइए इसकी सही आंसर की चुनाव करते हैं। इसकी सही आंसर ऑप्शन डी, जोग जलप्रपात, ठीक है। ऑप्शन डी जो है सबसे ऊँचा जलप्रपात में जो है गिने जाते हैं। आई कुछ और देख लेते हैं, जो कि आपके पैटर्न बेस्ड पर ही क्वेश्चन जो है टिके गए हैं। आई कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखे गए हैं जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पहला लिखे गए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे दोस्तों, यदि आप सभी जानते हैं इसके सही आंसर तो कमेंट करके कमेंट बताएं। इसके सही आंसर होंगे पश्चिम बंगाल।
जो लोग पश्चिम बंगाल को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। आइए कुछ और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन पहली बार में क्रैक हो जाए। लिखिए कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हैं? भारत एवं श्रीलंका, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस, कौन से जुड़े हुए दोस्तों कमेंट बॉक्स से तुरंत छोड़ें। आइए इसके सही आंसर के चुनाव करते हैं। इसके सही आंसर ऑप्शन से पाक और श्रीलंका, सॉरी भारत और श्रीलंका। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन के पैटर्न पर ही आधारित है। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखे गए हैं कुछ निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। हजारीबाग है, कोयला है, नेवली है, लोहा है, झरिया है, भूरा कोयला है, राउल किला है या अपरेख है, कौन से होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट लिखे। तो आइए इसके सही आंसर की चुनाव कर लेते हैं दोस्तों। इसके सही आंसर क्या होते हैं, आइए थोड़ी सी ऊपर जाते हैं, ऊपर में थोड़ी सी इसको अच्छी तरह से आप सबको दिखाई देते ताकि आपको जो किसी भी प्रकार का कोई जो है यहाँ पर दिक्कत होने की संभावना जो है नहीं होगी। आप आराम से यहाँ पर देखें और समझ सकते हैं। तो आइए इसके सही आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले कि जो हजारीबाग है वो हजारीबाग में क्या पाए जाते हैं, अभ्रक पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिए। हजारीबाग में जो अभ्रक पाए जाते हैं, नेवली में जो है क्या पाए जाते हैं, भूरा कोयला पाए जाते हैं, झरिया में क्या पाए जाते हैं, कोयला पाए जाते हैं, और राउरकेला में पाए जाते हैं लोहा, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखे जाए तो ए का डी होगा, दो का सी होगा, तीन का ए होगा और चार का होगा बी। इस प्रकार से अगर देखे जाए दोस्तों तो इसके जो सही आंसर होंगे आपका ऑप्शंस बी, ठीक है, ऑप्शंस बी वाला बिल्कुल भी सही है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में पैटर्न पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं लिखे गए हैं, ओजन परत कहाँ पर पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, आयन मंडल में पाए जाते हैं, समताप मंडल या वायु मंडल में, कहाँ पर पाई जाती है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे यदि आप सभी जानते हैं तो। तो इसके सही आंसर है समताप मंडल। जो बच्चे समताप मंडल को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन के पैटर्न पर आधारित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने, या अनुमंड सेन ने, या क्रिस टॉफर कोलम्बस ने, या जिम कार्बेट ने, किसने की थी दोस्तों? जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें। तो इसके सही आंसर है वास्को डिगामा ने, ऑप्शंस ए। जो बच्चे ऑप्शंस ए को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कुछ और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? पहले लिखेंगे महल नोबिस ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, बी के आर वी राव ने, या सरदार भाई पटेल ने किए थे, किसने किए थे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। तो आइए इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। जो कैंडिडेट बी को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन के पैटर्न के आधारित पर क्वेश्चन तैयार किए गए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर डिपेंड करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर, या उपयुक्त में से सभी? यदि आप जानते हैं तो इसकी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। तो इसके जो है उपयुक्त में से सभी, यानी प्राकृतिक संसाधन पर भी और पूंजी निर्माण पर भी और बाजार के आकार का भी, यानी उपयुक्त में से सही ऑप्शन डी। इस प्रकार से देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप सभी के पैटर्न पर बेस्ड ही सारे क्वेश्चन हमने आप सभी के पास प्रस्तुत करने का कोशिश की। आपको यदि आपको हमारा वीडियो पसंद लग रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर एक बार लाइक कर दें, ज़रूर से ज़रूर एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि जो हम भी जान पाए कि आपको कितने हमारे वीडियो पसंद लग रहे हैं। आपने देखे कि एकदम जो कि SSC का जो पैटर्न है उसी पर बेस्ट हमने क्वेश्चन को आप सभी के पास देने का कोशिश की। ये थे सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस का पार्ट। इसके बाद हम लोग इंग्लिश का भी पार्ट देंगे, मैथमेटिक्स का भी पार्ट और रीजनिंग का भी पार्ट, सारा पार्ट आपको दे देंगे जो कि आपको पैटर्न बेस्ड, इसी के पैटर्न बेस्ड पर ही सारा क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कोई एक नई क्वेश्चन आंसर के साथ। यह वीडियो कैसे लगे कि हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट कितने जल्दी चाहिए यह भी लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।